नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। पलामू से हमारे संवाददाता सुधीर कुमार की रिपोर्ट। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के कुंडीलपुर गांव में ट्रिपल मर्डर मामूली विवाद में नक्सली प्रकाश सिंह ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके विरोध में मृतक के परिवार वालों ने पीट पीट कर नक्सली और उसकी पत्नी को मार डाला। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के कुंडीलपुर गांव के लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेकर बदला तो ले लिया, लेकिन आपको बता दें कि कुंडीलपुर गांव एक अति नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां गांव में शराब पीने को लेकर दो लोगों में झड़प हो गई। झड़प के बाद पूर्व नक्सली प्रकाश सिंह ने गांव के ही एक युवक विनोद सिंह को अपने भरटुआ बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने पूर्व नक्सली और उसकी पत्नी को घेर लिया। घेरे जाने के बाद मृतक के परिजनों ने पूर्व नक्सली और उसकी पत्नी दोनों को पीट पीट कर मार डाला और उसके घर को तोड़फोड़ कर दिया। पलामू एसपी संजीव कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मनातू थाना क्षेत्र में 3 लोगों की हत्या हो गई है। एसपी ने फौरन पुलिस को घटनास्थल पर भेजा। घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पलामू एसपी संजीव कुमार ने बताया कि पूर्व माओवादी नक्सल प्रकाश सिंह अपने घर आया था और किसी बात को लेकर उसके गांव के ही विनोद सिंह से लड़ाई हुई। इसी दौरान पूर्व नक्सली प्रकाश सिंह ने विनोद सिंह को अपने भरटुआ बंदूक से गोली मार दी, जिससे विनोद सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उसके बाद विनोद सिंह के परिवार वालों ने मिलकर प्रकाश सिंह और उसकी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। इस मामले पर क्या कह रहे हैं पलामू एसपी संजीव कुमार, आइए सुनते हैं। मनातू थाना के ऐसे करीब 25 किलोमीटर दूर कुंडीलपुर गांव में प्रकाश सिंह भोक्ता एक वो कुछ दिनों पहले ही ये पता चल रहा है कि माओवादी में था और वापस अभी आया था, कल ही वापस आया था। तो उसका किसी बात को लेकर वहाँ एक विनोद सिंह से झगड़ा हो गया शराब पीने के क्रम में। तो उसने अपना जो भरटुआ बंदूक था, जो गांव में लोग मजल लोडेड बंदूक होता है सुअर उवर मारने में लोग यूज़ करता है, उससे उसने चला दिया, जिससे विनोद सिंह की मृत्यु हो गई घटनास्थल पर। इस बात को देखते ही जो विनोद सिंह के घर वाले थे वो लोग आए, ऐसे बंदूक छीन करके फिर उसके बट से ही इस पर वार किए। क्रम में इसकी पत्नी भी आ गई तो ये लोग दोनों भी इंजरी से दोनों का मृत्यु हो गया। तो ये एक्चुअल मामला है। इसमें पुलिस जो है इसमें घटनास्थल पर गई थी, 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।